उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट करने वाली लड़कियों को स्कूटी देने का घोषणा आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने किया है। बहुत लोग चाहते थे कि मैं एक विचारधारा से जुड़ूं, जो पूरे देश की बात है, पूरे देश को बचाने की बात है, पूरे देश के हित की बात है। और बेटियों के लिए जब इतनी बातें हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बेटियों को क्या हो रहा सभी को पता, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं। मैंने परसों खुद देखा लड़ते हुए प्रियंका गांधी जी को हाईवे पे। मुझे लगा कि एक इतनी मजबूत बेटी के साथ में खड़े रहना, उनके साथ में रहना, तो मुझे अच्छा लगा उनके परिवार में आना। और मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे कांग्रेस परिवार का कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में जगह दी। और बहुत लोग अभी बाहर बैठे हुए थे, वो बोल रहे थे कि लड़ाई किसके बीच की थी, बीजेपी बहुत चला रहे हैं बीजेपी और सपा के बीच की है। नहीं, अब जो लड़ाई है वो बीजेपी और एक बेटी के बीच की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में। तो हम ऐसी बेटी को सपोर्ट करेंगे जो बिना किसी उसमें डरे बिना अड़े रहती है, लड़ने के लिए तैयार रहती है। क्योंकि मैंने बहुत सालों से मैं देख रही हूँ, बेशक मैं किसी पार्टी में नहीं थी, मैंने बहुत सालों से देखा, जब हाथरस कांड हुआ था उस आवाज़ को बुलंद किया था प्रियंका गांधी जी ने, उन्नाव में उस आवाज़ को बुलंद किया, लखीमपुर में किया, बरेली में किया, ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे जा करके उन्होंने जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ में खड़ी रही। वो उन लोगों में से नहीं है। मैंने एक चीज़ और नोट की, आप भी सभी समझदार हैं, सभी मुझसे सीनियर हैं, कि एक ट्वीट कर दो कि मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ, और पार्टी के बाहर, पार्टी कार्यालय के बाहर अपने आप को घिरवा दो और बस बैठ जाओ। उनमें से नहीं है, उनको पता है कि उनको जाना है, चाहे किसी रास्ते से जाना है। इसलिए मैंने कांग्रेस परिवार में आना, एक विचारधारा में आना और एक बेटी के साथ में खड़े रहना, और एक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ उनके साथ में खड़े रहना, मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद करती हूँ तहे दिल।